बैक टू माई चैनल पेजेस बैक एट अगेन विद न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, अब जो है हम जा रहे हैं दावत के लिए, यहाँ से निकलने वाले हैं। दावत में अपने को चलना यमन इस्लामिया, चलते हैं, अम्मी को भी लेके चलना है साथ में, दिखाते हैं क्या कैसा मुस्लिम की दावत रहती है और कैसा वलीमा रहता है। चलते हैं, मिलते हैं। मैं आवाज बंद करने वाले, सब अपनी अपनी दुकान बंद करने वाले हैं। अगर हम आवाज बंद कर देंगे इसमें सर पे, ये वैसे वीडियो का सर हेलो जब मैं जाकर भाई हैं गाइस, कैसे हो आप? अब हो चुकी है सवेरे, क्योंकि कल रात में 12:30 बजे करीब या 12 बजे हम लोगों का वहाँ से निकलना हुआ। बहुत सारे हम लोगों के फ्रेंड उधर मिल गए थे, सारे ही लोग बैठे थे, हंसी मजाक सब चल रहा था, सब लोगों ने वलीमे को खूब इंजॉय किया और काफ़ी अच्छे से घूमे, बातचीत सभी मतलब जो है मिल गए थे उधर। तो फिर उसके बाद हम लोगों का आना हुआ है और आज जो है कल रात में बहुत ही लेट नींद आई, क्योंकि सारे ही लोग बहुत थक गए थे, सब खड़े थे 1:30 बजे, तो यहाँ आ गए अपन और सब बात बात चल रही थी, दोस्त थे। तो रात में जो है करीब 3-4 बजे नींद आई, अभी मेरा 1:30 बजे उठना हुआ है। तो अब जाते हैं, नहाते हैं, उसके बाद नमाज वमाज पढ़ते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। फ्रेंड, नहा धो के अब जो है बाहर आ चुके हैं, कपड़े वपड़े पहन चुके हैं, बालों को सुखा दिया जाए। ठंड में एक चीज़ आ रहा होता है, हेयर ड्रायर, जिससे कि मस्त ठंडी गायब, पहले बालों को सुखाते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं अपन कहाँ, दादा मियाँ के यहाँ, और जहाँ भी जाते हैं। चलो चलते हैं, मिलते हैं। फाइनली नमाज हम लोगों ने पढ़ ली है, नमाज कंप्लीट हो गई है और अब अपन चलते हैं ये दादा मियाँ के यहाँ। जस्ट ब्लॉग को अब भी मैं जो है पब्लिक करके आ रहा हूँ, चलते हैं। आओ।
नीचे से चलते हैं, नीचे से चल के दिखाते हैं। गाइस अब जो हम है दरगाह से होकर के वापस घर की ओर जाने लगे हैं। दरगाह को खुल दिखाने का मकसद हमारा ये था कि इस दरगाह से जो है हमारी बचपन की पूरी यादें जुड़ी हुई हैं, यानी जो है बचपन से हम लोगों का इस दरगाह पे आना जाना लगा रहा है और अभी भी आ जा रहे हैं इस दरगाह पे। जबलपुर की काफ़ी मानी जानी दरगाह है दादा मियाँ सरकार की, और सारे ही लोग जुमा की नमाज़ पढ़ने के बाद दादा मियाँ के यहाँ आते हैं। सजादे भी अपने बचपन से ही आ रहे हैं। कहे सजादे चलते हैं अब घर, खाना पीना खाते हैं, उसके बाद फिर काम और एडिटिंग, फिर ये ब्लॉग मिलेगा आपको यूट्यूब में। सो हे गाइस, फाइनली अब हम घर आ चुके हैं दरगाह शरीफ से, और इस महीने जो है रेगुलरली वीडियो अपने डलेंगे, ब्लॉग अपना डलेगा। 3 महीने में कम से कम यार 100K सब्सक्राइबर तो अपने होना ही चाहिए, क्योंकि अपन रेगुलर मेहनत करने वाले हैं, रेगुलर जो है अपने इसमें ब्लॉग डलने वाले हैं। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें, और जल्दी जल्दी अपने जो है लोगों को ब्लॉग के वाला भेजें और सपोर्ट करने को कहें, सब्सक्राइब करने को कहें, क्योंकि इस महीने जो है अपना अजमेर निकलना हो रहा है, अजमेर शरीफ कोर्स है। अजमेर शरीफ के कोर्स की भी पूरी वीडियो आपको मिलेगी, जगह जगह जहाँ भी हम जाते हैं सारी जगहों को आपको टूर देंगे और घुमाएंगे, है ना। अजमेर शरीफ का और सहारा है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और चैनल को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं एक अगले न्यू वीडियो में, एक अगले न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।